महेंद्र भीष्म एक संवेदनशील परिवेश और समाज के सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध रचनाकार है। कथ्य और विचारों के विशाल फलक पर उनकी रचनाएं अदृश्य क्षितिजों के पार जाकर मानवीय संवेदना की तलाश करती और मानवीय सरोकारों से जुड़ती है। आइए होते हैं आज उनसे रूबरू। नमस्कार महेंद्र जी। हाँ नमस्कार। आपका प्रतिलिपि में बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र जी, आप कोर्ट में काम करते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर हैं, तो कोर्ट कचहरी में मुकदमे और हमेशा फसाद ही आते हैं जैसा हम लोग जानते हैं, उन सब के साथ लेखन के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं? एक तरफ झगड़े झमेले और दूसरी तरफ रचनात्मक बात, कुछ मतलब बहुत विपरीत लग रही है इसमें। वीना जी, मैं पहले बताऊं, मैं वहाँ पे ज्वाइंट रजिस्ट्रार हूँ जी जी। और अगर मैं उच्च न्यायालय की सेवा में नहीं होता जी, इस पद पर नहीं होता और कोई और बिजनेस कर रहा होता जी, या जी, कोई और विभाग में नौकरी कर जी, रहा होता जी, या एक परचून की दुकान ही क्यों नहीं कर रहा होता, तब भी मैं लेखक ही रहता होते जी। तो जो मेरा मेरी अभिरुचि है, लेखन सर्वोपरि है। हाँ, लेखन तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है जी। और अगर लेखन मेरे साथ नहीं जुड़ा होता तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं कैसे अपने जीवन को जीवन की सार्थकता नहीं जी, मैं जी। अपनी सिद्ध कर पाता। तो लेखन तो मेरी प्रतिबद्धता है जी, और जी। मैं उसी प्रतिबद्धता के साथ लिखता हूँ और समाज के लिए अगर कुछ कर पाता हूँ तो एक प्लेटफॉर्म है लेखन जी, मेरे लिए, जी, जी। उसके माध्यम से मैं जी, लेखन से जुड़ा हूँ। आप का एक उपन्यास जो थर्ड जेंडर पर आया है, मैं पायल, काफी चर्चित हुआ है हिंदी जगत में, कृपया उस उपन्यास के बारे में थोड़ा बताएं और अन्य कृतियों के बारे में भी। मैं पायल उपन्यास है, ये जीवनी परक उपन्यास है जी। और वास्तव में जब हम कोई उपन्यास या कहानी रचते हैं जी, और वो कल्पनाशीलता के आधार पर होती है तो वो सरल रहती है कहानी जी, और कुछ भी लिखना, पर हम जब जीवनी परक उपन्यास लिखते हैं जी, तो वो एक कठिन काम है लेखक जी, के लिए। और जो किन्नर गुरु है लखनऊ में, पायल सिंह, जी, उससे जब मैं मिला था 2011 में जी, जब मेरा पहला उपन्यास था थर्ड जेंडर पर, किन्नर कथा जी, किन्नर कथा के चर्चा पर मैंने लखनऊ के कुछ किन्नरों को आमंत्रित किया जी, था साहित्यकारों के अलावा, तो उसमें अन्य तो आने का आश्वासन दिए थे जो गुरु थे, पर वो आए नहीं और पायल वहां पर आई जी। पायल को मैंने मंच पर स्थान दिया और पायल के से मैंने आम पाठकों को और जो साहित्यकार मंच पर उपस्थित थे उनसे रूबरू होने का मौका मिला जी। और इतना अच्छा सफल कार्यक्रम रहा वो कि अगले दिन सारे अखबारों में उसकी चर्चा थी कि एक किन्नर को मंच पे स्थान दिया गया जी। तो पायल की साथ जब घनिष्ठता हुई, बातचीत शुरू हुई, तो उस समय सामयिक प्रकाशन के महेश भारद्वाज भी थे जी। तो उन्होंने कहा कि पायल के ऊपर आप कुछ बनाइए, कुछ लिखिए। तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि मैं इसके जीवन पर लिखूं जी। तो मैं पायल लिखने का उद्देश्य ये था कि वो एक किन्नर की जीवनी है और जो लगभग सभी की एक जैसी कहानी है जी, जी। कि वो अपने घर में प्रताड़ित हुए माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा जी। और वो फिर इतने प्रताड़ित हुए कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा जी, जी। और जब घर छोड़ के आए तो फिर बाहर की दुनिया में उनको कितने शोषण झेलने पड़े, जी, कितने सारी जो विद्रूपताएं हैं समाज की जी, वो उठानी पड़ी। तो पायल के साथ भी ऐसे ऐसे क्रम घटते गए जी, पर पायल ने एक मुकाम पाया इन संघर्षों के बाद, तो वो एक प्रेरक कहानी बनी और वो प्रेरणा दूसरे किन्नरों को भी मिले जी, तो वो किताब असंभावी लगी कि मैं इसको लाऊं जी, जी। और ये अमन प्रकाशन कानपुर ने जी 2016 में इसको छापा जी, और इसके 3 संस्करण आ गए हैं जी, लोकप्रिय हुई है और इसमें मुंबई के कुछ लोग हैं जो फिल्म बनाने की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, जी, अब देखिए कहाँ तक सफलता उसमें मिलती है। जी। तो पायल एक प्रेरक कहानी है जो अन्य किन्नरों के लिए भी उपयोगी है और आम जो शोध कर रहे हैं छात्र छात्राएं और जो पाठक वर्ग है उनको भी किन्नरों के प्रति अपना नजरिया बदलने की प्रेरणा मिलेगी उपन्यास से। अन्य कृतियों में थर्ड जेंडर पर ही है किन्नर कथा जी। किन्नर कथा में करीब विभिन्न विश्वविद्यालयों में अभी तक 9 विद्यार्थियों ने शोध के लिए विषय चुना है और जिसमें किन्नर कथा को लिया है
और मेरी अन्य कृतियों को भी जोड़ा है साथ में। जी। तो इसमें चार लघु शोध पूरे हो चुके हैं जी। और वो उनको वो उपाधियां भी मिल चुकी हैं। जी जी। बाकी अन्य जो साहित्यकार हैं जिन्होंने थर्ड जेंडर के ऊपर लिखा है, तो कॉमन रूप से PhD जो बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें किन्नर कथाओं मैं पायल को लिया है। और ये एक मुझे बताया जा रहा है कि थर्ड जेंडर पर अभी तक 7-8 जो उपन्यास आए हैं, उसमें 2 उपन्यास मेरे ही हैं। अच्छा। तो ये मुझे बताया गया तो अच्छा लगा। और मेरे 5 से कहानी संग्रह हैं। जी। पहला कहानी संग्रह 1996 में आया था, 13 करवटें। जी। और दूसरा कहानी संग्रह आया था 2004 में, एक लंबे अंतराल के बाद, जी, जी। एक अप्रेषित पत्र जी। और 2008 में आया था क्या कहें जी। और 2010 में एक उपन्यास आया था जय हिंद की सेना जी। जो 1971 युद्ध के ऊपर है जी। और फिर इसके भी 2-3 संस्करण आ चुके हैं उस उपन्यास के। और तीसरा कंबल कहानी संग्रह भी 2010 में आया था जी। फिर ये लाल डोरा कहानी संग्रह 2015 में आया जी। लाल डोरा ज्यादा हाँ, लाल डोरा कहानी संग्रह ये सामयिक प्रकाशन से छपा है जी। और इसको यशपाल कहानी सम्मान भी प्राप्त जी, हुआ जी। ये मेरे ठीक ऊपर लगा है सम्मान पत्र जी। तो इसको 50,000 का सम्मान भी मिला था हिंदी संस्था गत वर्ष। और फिर मैं पायल भी 2016 में आया। और अब एक कस्तूरी बिन्नू उपन्यास है जी। उस पर मैं काम कर रहा हूँ जो खनन माफिया जी। और सेरोगेसी के ऊपर है जी। तो ये कहानी बुंदेलखंड की एक स्त्री है, कस्तूरी बच्ची है पहले, फिर बड़ी होती है, उसके साथ क्या क्या सामाजिक घटनाएं घटती जाती हैं, बेमेल विवाह होता है, सेरोगेसी की वो शिकार होती है जी। उसी में खनन का पृष्ठभूमि में है, खनन माफिया किस तरह से सक्रिय है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार है। मैं ये कहूँगा दावे के साथ कि यहाँ से जो सरकारी अमला, सरकारी अधिकारी स्थानांतरित होकर बुंदेलखंड जाते जी, हैं जी। तो बुंदेलखंड का विकास तो वो कम करते हैं, वो अपना विकास ज़्यादा करते जी। हैं। और अगर देखा जाए कितने IAS वहाँ पे जिला अधिकारी रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, और बड़े ईमानदार और अच्छे अधिकारी भी वहाँ गए हैं, उनकी कोठियाँ यहाँ लखनऊ में बनी हुई हैं। अच्छा। और वो बुंदेलखंड से ही वापसी की है जी, उन्होंने जी। और बहुत से अच्छे जो नौकरशाह हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है जी। और बड़े अच्छे ईमानदारी से काम किया है। पर अगर पूरी लगन से सारे लोग जुट जाएं तो बुंदेलखंड का जो ये खनन का और जो अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, एक संतुलित तरीके से हो जी। विकास के साथ हो, और सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ के लोग हैं मूल निवासी जी। उनका विकास जरूर हो। होता क्या है कि कुछ लोग हैं वो अपना विकास कर रहे हैं जी। और बाकी जनता वहाँ पे त्राही त्राही कर रही है जी, जी। सूखा पड़ जाता है, पानी की व्यवस्था नहीं जी, है जी, जी, तो जी। ये सारी चीजें जब मेरे मन में आती हैं तो मैं चूंकि बुंदेलखंड का निवासी हूँ तो मेरे मन में आता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए जी, कुछ करूं जी, जी। तो ज्यादातर मेरी कहानियों में या उपन्यास में वहां का चित्रण रहता है जी जी। महेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका उपन्यास जल्द से जल्द आए और हम भी पढ़ें और शायद बुंदेलखंड की स्थिति में कुछ सुधार लाए आपका उपन्यास जी। आप की कहानियों के मंचन भी हुए हैं, रंगमंच से भी आप जुड़े रहे हैं, साथ ही फिल्में भी बनी हैं, इस पर प्रकाश डालें। मेरी करीब 15-16 कहानियों के नाट्य रूपांतरण हुए हैं जी। और 2 उपन्यास हैं जो किन्नर कथा पे भी नाट्य रूपांतरण हुआ है, मंचन हुआ है, और मैं पायल के भी नाट्य रूपांतरण के बाद 3-3 मंचन हुए हैं। और जो 15-16 कहानियां हैं उनके ऊपर भी कुछ स्क्रिप्ट मैंने भी लिखी हैं जी। और इनके मंचन हुए हैं। तीसरा कंबल जो कहानी थी जी। उस पर लघु फिल्म 2 बन चुकी है जी। और अलग अलग लोगों ने बनाई है। और एक करीब 14-15 मंचन इसके बुंदेलखंड में भी हुए हैं, जो समरप्यामी संस्था है टीकमगढ़ की, जिसकी अध्यक्षा है गीतिका वेदिका, इनके निर्देशन में ललितपुर, उरई, महोबा, टीकमगढ़, छतरपुर, ऐसे करके कई जगहों पे इसके मंचन हुए। और उस तीसरा कंबल से लोगों को प्रेरणा मिली
और जो असहाय और गरीब लोग हैं उनको गर्म कपड़े दान जी, करने जी, की प्रेरणा उस नाटक से मिलती है। तो और एक नाटक मेरा है वो हिंदी में हुआ था, बरसता सावन बैसाख हो गया जी। उस नाटक को संस्कृत में नवलता वर्मा ने अनुवादित किया जी, और हेल्प यू ट्रस्ट लखनऊ ने इसका मंचन किया था जी, जो बड़ा जी, सराहा गया था। वो जी, संस्कृत में हुआ था जिसमें मेरी बेटी वैष्णवी अवस्थी ने जी, लीड रोल किया था जी। फिर यही नाटक महाराष्ट्र सरकार ने चयन किया जी, पर उन्होंने शर्त रखी बाद में कि संस्कृत की जगह हमें मराठी में चाहिए नाटक को, 2 घंटे का चाहिए। तो मराठी में मुंबई के जो लखनऊ के मूल निवासी हैं आदित्य रंजन मिश्रा जी, उन्होंने इसका मराठी में अनुवाद किया जी, जी। और ये नाटक फिर मराठी में वहां सिलेक्ट हुआ जी। और कल्याण में इसका मंचन 2016 में जी, हुआ जी। और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस नाटक को देखा था उन्होंने, और मुझे भी गौरव मिला कि बुलाया गया था और मैं वहां सम्मानित भी हुआ जी। तो एक नाटक मेरा कल्याण में हो चुका है। एक नाटक ये संस्था है चंडीगढ़ की जी, अलंकार थिएटर, अलंकार थिएटर वालों ने किन्नर कथा का मंचन किया जी, जी। और चंडीगढ़ में, कलकत्ता में, दिल्ली में इन्होंने मंचन किया किन्नर कथा का थिरू नंगाई के नाम से जी। और जब दिल्ली में श्रीराम थिएटर में किया था अभी नवंबर में जी, तो उसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया था। और जब नाटक के बाद उन्होंने मेरा जब परिचय कराया वो दिल्ली के बुद्धिजीवी जनता ने मुझे जब जी, हाथों हाथ लिया, मुझसे कई प्रश्न पूछे जी, तो मुझे एक सार्थकता लगी कि मैंने जो लिखा है जी, वो जी, लोगों तक पहुंच रहा जी, है जी, तो। और उस नाटक को पुरस्कृत भी हुआ उनका नाटक जी, ये निर्देशक थे उसके चक्रेश, अच्छा हाँ चक्रेश है युवा निर्देशक है जी। फिल्मों के बारे में भी, फिल्मों का ऐसा है कि जो तीसरा कंबल है वो मुंबई के कुछ लोगों को ज्यादा पसंद आया जी, तो आदित्य रंजन मिश्रा जी की एक उनकी अपनी कंपनी है हिमालया करके जी, उन्होंने इसको तीसरा कंबल को फिल्म डिवीजन में रजिस्टर्ड भी करा दिया और इसकी स्क्रिप्ट भी गीतिका वीतिका ने लिखी है और वो सबमिट है वहाँ रजिस्टर्ड हो गई है जी, और उसके निर्देशन के लिए उसकी फिल्मांकन के लिए हम लोग बहुत जल्दी वो जो बना रहे हैं कोशिश में लगे हैं जी, और मैं भी उनको सहयोग कर रहा हूँ, उनको लखनऊ की लोकेशन दिखला रहा हूँ और बुंदेलखंड और लखनऊ का ही इसमें है लघु फिल्म, तो उसमें फिल्मांकन हो चुका है पर इसको फीचर फिल्म में वो चाह रहे हैं तो फीचर फिल्म में दोबारा इसमें जी, होगा जी। और मैं पायल में सीधे पायल के पास जिसमें आजकल एक पायल उनकी फिल्म में काम कर रही है अभी दुबई से लौटी है वो, तो उसने सूचित किया है कि वो मैं पायल पर फिल्म बनाना चाह रहे हैं जी। तो ये एक अच्छी खबर है। और तीसरा कंबल पर ये किन्नर कथा पर भी कुछ है मुंबई से जी, जैसे राजा बुंदेला साहब भी चाह रहे थे फिल्म बनाना, ओम पुरी साहब की जो फर्स्ट वाइफ हैं सीमा कपूर साहब उन्होंने भी इस में फिल्म बनाने की इच्छा की। आजकल इसमें लवलीन ठंडानी हैं दिल्ली की जी, वो फिल्म बनाना चाह रही हैं और उनका दावा है कि इस फिल्म को अगर वो बना ले गई तो ये ऑस्कर तक ले जाएंगी, इतनी अच्छा, बड़ी बात उन्होंने कही जी, तो वो कहानी में उनको दम लग रही है जी, जी। तो अब यह है कि कोई भी चीज है वो फलीभूत जब होगी सामने जी, आएगी तब सबके सामने आएगी जी। और हमारी भी कामना है कि आपकी लिखी कहानी की फिल्म ऑस्कर तक जरूर जाए। ये तो एक उनका दावा है ऐसा जी, जी। और मैं किसी फिल्म बने या कोई नाटक खेला जी, जाए इसलिए नहीं लिखता हूँ, बिल्कुल मैं केवल मेरा लिखने का है कि कोई भी मेरी कहानी है किताब है छपे तो लोग पढ़ें इसको जी, और पढ़ने के बाद समाज में एक रास्ता आए, भाईचारा जी, बढ़े जी, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़े जी, और लोग एक दूसरे को समझें और स्वयं अच्छे बने और समाज को अच्छा बनाए, ये मेरा रहता है उद्देश्य। महेंद्र जी आपने किन्नरों पर 2 उपन्यास लिखे हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को भी दें कि किन्नरों का जीवन कैसा कठिन होता है, क्या होता है, कैसे उनका मतलब संक्षिप्त में थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। वीडा जी बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका जी। एक्चुअली किन्नर कोई बच्चा जब पैदा होता है जी, माँ बाप को जैसे ही पता चलता है कि हमारा ये बच्चा किन्नर पैदा हुआ है तो वो उसको अपनी सामाजिकता से, अपने परिवार की अस्मिता से, खानदान की गौरवपूर्ण जो उनका इतिहास रहा हो उससे जोड़ लेते हैं, मान से, मान मर्यादा से। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब एक विकलांग बच्चा हमारे घर में पैदा होता है
तो हम उसकी ज्यादा हिफाजत करते हैं, ज्यादा देखभाल जी, करते जी, हैं, उसकी ज्यादा एजुकेशन की तरफ ध्यान जी, देते हैं। और एक किन्नर बच्चे के प्रति क्यों ऐसा सोचते हैं जी, कि इस मानसिकता को मुझे दूर करने की कोशिश करनी है जी, और उसी दूर करने की कोशिश के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और जैसे एक होता है कि कहानी लिखी, मुझे कुछ साहित्यकार मित्र सलाह जी, भी देते हैं कि जी, आपने कहानी लिख दी, उनके बारे में बोल दिया, उनके बारे में उपन्यास जी, लिख जी, दिया, अब आप कुछ और काम करिए, कुछ और लिखिए। जी, उनके साथ एकदम जुड़ के आप तो एकदम वो हो गए हैं, जी, जी, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह पेश आ जी, रहे हैं। जी, तो मैं उन अपने साथियों से कहता हूं कि हमारा यह भी दायित्व है कि हम ना केवल लिखें जी, बल्कि जो लिखा है उसके साथ आगे चलें। जी, अगर हमने एक उद्देश्य है हमारा कि किन्नरों को हमें मुख्य धारा से में लाना है, जी, तो फिर हमें लाने का भी प्रयास करना जी, चाहिए। हमें खाली शब्दों और कागजों पे ही ज्ञान नहीं बांटना है, जी, हमें उनके साथ कंधे से कंधा लगा जी, के चलना है। जी, और ये मैंने किया है जी, और मैंने किन्नरों के साथ अपना जीवन जिया है और जी, तभी शायद मैं बेहतर लिख पाया हूँ। जी, आप देखिए कि कोई हमें अगर हिजड़ा बोल दे जी, तो एकदम कानों में जैसे पिघला शीशा किसी ने डाल जी, दिया, जी, बहुत गाली लगती है जी, कि इसने मुझे हिजड़ा कैसे बोल दिया। जी, और जब हम एक हिजड़े को हिजड़ा बोलते हैं जी, और उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो इसका बुरा ना माने, वो वाकई वो बुरा उस समय नहीं मानता, वो हंसता है, मुस्कुराता है, पर अकेले में जब होता है तब ईश्वर की तरफ याद करके सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया जी, मुझे हिजड़ा क्यों बनाया, और वो दुख दुख ही होता है। तो हमें किसी को दुख पहुंचाने का अधिकार नहीं है। किन्नर के जब बच्चा घर में है वो सबसे पहले, आप जैसे समझ लीजिए कि विस्थापन एक होता है, जी, हमारा जी, घर है बना बना, या हम जी, अपने घर से जब विस्थापित कर दिए जाते जी, हैं जी, अपने शहर से अपने देश से विस्थापित कर दिए जाते हैं, तो विस्थापन का दंश सबसे बड़ा दंश होता है। और वो बच्चा जो एक छोटा सा बच्चा है 5 साल से लेके 12 साल के बीच में किशोर अवस्था में भी रहता है और वो अपने ही घर से विस्थापित कर दिया जाता है, जबकि उसका मानसिक ये तो लेवल या जो भी कही संवेदनाएं सामान्य व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की होती है, पूरी तरह से वो सारे सामान्य होता है, पूरी तरह से सामान्य होता है, उनका मानसिक स्तर वैसे ही होता है जैसे हम लोगों का है। अगर उनको पढ़ा लिखा के, और है भी ऐसे उदाहरण, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोच सकते हैं। एक शारीरिक कमी के कारण हमारी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं मां की जानी चाहिए। और अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनके प्रति बहुत अच्छा 15 अप्रैल 2015 को जो जजमेंट दिया है वो बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, पर इसको अभी तक राज्य सरकारें लागू नहीं कर पाई हैं। राज्य सरकारें उसको नीति निर्देशक तत्वों की तरह लें, संविधान में जैसे दिया गया है और कानून बनाएं, लागू करें। और इसके लिए ये नहीं कि मैं एक बात और बता दूं कि इस निर्णय से जो जन्मजात किन्नर हैं, जिन्हें ईश्वरी ये एक जो इनको एक मिला हुआ है शरीर, अपंग शरीर मिला है जी, तो इसको भी ऐसे नहीं सारी चीजें हो जाना चाहिए, एक मानक तय हो और उनको ये तय हो कि कौन किन्नर है जी। क्योंकि इस समय जो अनुपात है मेरी जानकारी में 90-10% का है, 90% जो किन्नर से हमको बताते हैं वो नकली हैं। अच्छा, केवल 10% किन्नर है जिनको ये प्रकृति से कष्ट मिला है। ये एक बात बहुत विचित्र सी लग रही है कि एक किन्नर होता है तो वो इतने सारे अपमान सहता है और दुखी होता है, फिर भी क्यों लोग किन्नर बनना चाह रहे हैं जबरदस्ती? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये इसलिए बनना चाह रहे हैं कि इसमें जिस तरह से पैसा है जी, जिस तरह से कमाई देखते हैं वो जी, तो जो स्त्रीण स्वभाव के हैं, जो गे टाइप है, उनको साड़ी पहनने से कोई गुरेज नहीं है जी, जी, क्योंकि वो तो है ही गे, वो है ही स्त्रीण स्वभाव के जी, तो उनका अपना मानसिक सेटिस्फेक्शन वहां पूरा होता है, शारीरिक सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है जी, तो वो किन्नर बनने, और सबसे बड़ी बात कि उनको पैसा भी मिलता जी, है, वो अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो जो ये ट्रेनों में बसों में इस तरह से जो बधाई के तरीके अपनाए हुए हैं जबरदस्ती वाले, ये सब नकली किन्नर है। आपको मैं एक उदाहरण बता दूं कि इंडिया टुडे में 2005 में वो आया था एक आर्टिकल, उसमें दिया था कि दिल्ली में 2000
किन्नरों का मेडिकल चेकअप हुआ। अच्छा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 1997 किन्नर उस मेडिकल चेकअप में अनफिट पाए गए। 2000 में 1997 अनफिट थे, मतलब किन्नर थे तीन किन्नर थे, सिर्फ तीन ही किन्नर। और जो इनमें भी कई कैटेगरीज होती हैं जी, तो जो वाकई किन्नर है उसको सहूलियतें मिलना चाहिए जी, उसको हम लोगों की संवेदनाएं भी मिलना चाहिए। और जब हम उनको साथ जुड़ेंगे, जब कानून आएगा बनेगा इस तरह का, तो स्वाभाविक है कि जो नकली किन्नर है वो किनारे हो जाएंगे और जो वाकई हकदार हैं इसके उनको उनके हक मिलेंगे। और उन्हीं के साथ में खड़ा हूँ, उन्हीं के साथ में जुड़ा हूँ। महेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारियां दी, और साथ ही हमारी कामना भी है कि आप जो काम कर रहे हैं महत्वपूर्ण, वह दर्शकों तक उसकी संवेदना पहुंचे और इस दिशा में कुछ अच्छा हो। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिलिपि परिवार को धन्यवाद, और जो पाठकगण इसको पढ़ेंगे, जो दर्शक इसको देखेंगे, उन सभी का बहुत बहुत आभार।